दर्शकों नमस्कार। खबर आई उन्नाव उत्तर प्रदेश से, जहां गौकशी कर रहे गौ तस्करों व पुलिस में हुई फायरिंग। गौकशी तस्कर के पैर में लगी गोली। गौकशी करते समय पुलिस से मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल, वहीं चार मौके से फरार। मामला उन्नाव जनपद के असीवन थाना क्षेत्र के मुसीराबाद का है, जहां गोमांस के दो विक्रेता व साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल गोमांस तस्कर को मियांगंज टीएससी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने मौके से तमंचा, गोमांस चाकू, कुल्हाड़ी, तराजू व बांट बरामद किए हैं। जान से मारने की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज कर फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही थी। असीवन थाना प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि मजीद के पास एक अदद नाजायद देशी तमंचा 315 बोर में दो खोखर कारतूस, एक जिंदा कारतूस, गोमांस व गोवंश के अवशेष, एक कुल्हाड़ी, एक छुरी, एक रेती व तराजू में बांट, एक बाइक बिना कागजात के बरामद हुई है। आपने कहा कि इन अभियुक्तों के ऊपर कई मुकदमे हसनगंज व असीवन थाने में दर्ज हैं। उसके चार साथी कुल्हा निवासी सलीम, कसाई मोहल्ला असीवन के सलीम, कंजे सईद मौके से भाग निकले। पुलिस फरार अभियुक्तों की तलाश कर रही है। उन्नाव से जिला ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। कल देर रात लगभग 3:30 बजे के आसपास पुलिस को एक गोकशी के बारे में सूचना मिली थी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मुरब्बतपुर तिराहा है, यहां पे पुलिस का बदमाशों से मुकाबला हुआ, जिसमें एक बदमाश मजीद सनाफ बेखे पुलिस के जवाबी फायर में जो है घायल हुआ है, और अन्य चार उसके साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। इसमें पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि ये पूर्व में भी कई घटनाओं में संलिप्त रहा है, और इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी हसनगंज थाने से पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है। गैंग का लीडर भी है, और ये बड़ी कामयाबी आज असीवन थाना पुलिस को मिली है। सर, जो साथी फरार हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? इन सभी के लिए टीमें गठित किया गया है, और इनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जाएगा, और जल्दी इनको भी अकाउंट कर। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलती रहे।